ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे महिलाओं, बच्चियों एवं युवाओं को डायबिटीज के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रही है आस्था फाउंडेशन। पटना बिहार से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। पटना, आस्था फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमेशा गांव-गांव जाकर गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे महिलाओं, बच्चियों एवं युवाओं को डायबिटीज के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हम अपने टीम डॉक्टरों के साथ गांव-गांव जाते हैं प्रत्येक रविवार को। आज आस्था फाउंडेशन की टीम मशहूर डॉ अरविंद सर के नेतृत्व में अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ एक ऐसे गांव गए जो पूरी तरह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले थे। पटना से 30 किलोमीटर दूर गांव में ना कोई डॉक्टर, ना कोई अस्पताल और ना कोई दवाखाना। ऐसे गांव में जाकर आस्था फाउंडेशन अपने डॉक्टर अरविंद सर और उनके टीम के द्वारा सबसे पहला डायबिटीज क्या होता है, कैसे लक्षण होते हैं और लोगों को इससे कैसे बचना चाहिए, इस मुद्दे पर जागरूक किया। फिर सभी लोगों की ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जाँच शुरू की गई। दूर दूर से चलकर महिलाएं और बच्चियां बुजुर्ग अपनी जांच कराने आए थे। डॉक्टर अरविंद सर की टीम ने सभी लोगों का जांच किया और कुछ दवाएं और बहुत सारे फलों का वितरण किया गया। आप सभी फोटो और वीडियो को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि आस्था फाउंडेशन का काम जमीन स्तर पर होता है। इसलिए आज आस्था फाउंडेशन की पहचान गांव-गांव बन गई है। उक्त बातें पुरुषोत्तम सिंह सचिव एवं निक्की सिंह चेयरमैन आस्था फाउंडेशन ने जानकारी दी है। डायबिटीज़ कितना खराब से हालात है, बीपी और हाइपरटेंशन, उसको लेकर के आज हम गांव में पहुंचे हैं। बहुत ही ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना इसके बारे में। आज देखिए कि सबसे पहले हमने काउंसलिंग शुरू किया। काउंसलिंग में हमने ये बताने की कोशिश की कि आपका बीपी लेवल क्या होता है, डायबिटीज़ का शुगर लेवल क्या होता है, क्योंकि अनभिज्ञता जिस तरीका से लोगों में अनअवेयरनेस ज़बरदस्त है, पता नहीं है उनको कि किस तरफ। देखिए भीड़ जो महिलाओं की है, हर कोई इंतज़ार में है कि हम अपना जांच करा करके पता करें कि किस तरह से। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर रंजीत सर, डॉक्टर मृत्युंजय सर, सब की टीम आई हुई है और यहाँ पर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें बता रहे हैं कि आपका लेवल क्या है, आप कैसे सेफ रहेंगे। महिलाओं की स्क्रीनिंग जो हम कर रहे हैं बीपी का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल जो होता है उन्हें अवेयर करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको जागरूक होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है डायबिटीज़ का और बीपी का। तो ये चीज़ के लेकर के अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है और लगातार आप देख ही रहे हैं कि आस्था फाउंडेशन की टीम गांव-गांव जाकर के बिल्कुल निस्वार्थ हम इस तरह से लगे हुए कंटिन्यू, क्योंकि एक अवेयरनेस कैंप जो कैंपेनिंग जो हमने चलाया है, वो आज उसका प्रतिफल है कि आज गांव-गांव में हमारी आस्था फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट्स हो रही है। लोग बुला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं आप आइए और हमारे गांव में भी स्क्रीनिंग करके लोगों को बताइए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बीपी कितना खतरनाक है। तो ये मेरा फेज है जो हम लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं। अब देखिए कि कितनी भीड़ लोगों की है, हुजूम्स कैसा है, किस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी क्यू में कराने के लिए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा वो नंबर आए ताकि हम जिससे जाँच कराएँ। और बीपी की जाँच के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि उनको शुगर का भी जांच किया जाए। शुगर का जांच भी होता है, उसके बाद भी हम डॉक्टर अरविंद सर की टीम नेतृत्व में जिस तरीका से हम कर रहे हैं, देखिए भीड़ के हम मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ नहीं ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। जब लोगों को पता चलता है कि गांव में स्क्रीनिंग गांव की टीम, डॉक्टर की टीम बाहर से आई है, तो लोग चाहते हैं कि नहीं कम से कम कि उसको वहाँ पर कैसे हम उस हिसाब से उसको तैयारी करें, किस तरीका से हम जांच करें। ये देखिए महिलाओं की किस तरह से क्यों महिलाओं में अपना इंतज़ार में वेट में लगे हुए हैं कि हमारा कब है कि हम स्क्रीनिंग करें। उसको थोड़ा सा स्क्रीनिंग करने बाद हम उसकी फिर अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसमें हो। ये लोग हैं बुजुर्ग सब जिनका जो इंतज़ार में है कि हमारा बीपी का नाप हो। एक्चुअली सब बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से थोड़ा ग्रसित होते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और चूंकि इस सिचुएशन से ऐसा है कि इन्हें बताना ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल क्या है, आपका बीपी क्या है।